सुवेल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा था कि यूपीएससी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का लास्ट डेट कब है, और मैंने भी बताया था कि इसका 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, एंड उस टाइम पे भी कोई अपडेट नहीं आया था, बट इसका डेट एक्सटेंड हो गया है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और सोच रहे कि अब अप्लाई करने से कहीं पेमेंट वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, तो अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अब अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसका डेट 31 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो आपके पास पूरा ये महीना मई का टाइम है, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मई भर चलने वाला एडमिशन का। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारा, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। ठीक है, न्यू एप्लीकेंट्स आ जाएगा, यहाँ से आप अपना रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स फिल कर देना, एंड इसके बाद पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना। अब देखो, जनरली आपको इसके एग्जाम के बेसिस पे 30% स्कॉलरशिप तो मिलेगा, ठीक है, 12th के बेसिस पे भी मिल जाएगा, एंड आपका जो भी रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे भी मिल जाएगा, बट अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको आपकी एकेडमिक्स में बेनिफिट मिलेगी, ये हमारे तरफ से आपको स्पॉन्सर किया जाएगा अप टू 3000 रुपीज की। अब इसका देने का फायदा क्या है, देखो अब तुम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, अब ऐसे कुछ टॉप कोर्सेस होते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है, जो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्किल्स में हेल्प करती है, तुम्हारे नॉलेज में हेल्प करती है, तो ये कोर्सेस आपको सिर्फ कोर्सेरा कहीं नहीं है, इसके अलावा एक NPTEL है जहाँ पे IITs के कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा Udemy है, गूगल क्लाउड स्किल्स है जहाँ पे स्किल्स रिलेटेड सारे पेड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। तो ये हम डिसाइड कर लेंगे कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बेनिफिट आपके लिए अच्छी रहेगी, बेसिकली एज अ स्किल्स जो आपको इंटर्नशिप में भी हेल्प करेगी, प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी, बाकी हम सजेस्ट कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड ये बेनिफिट आपको तब मिलेगी जब आप इस लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट लिंक के थ्रू आप अप्लाई करते हो, फिर एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आप हमें कंफर्म कर देना कि हाँ हमने एडमिशन ले ली है, फिर आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ से इनके कुछ प्लेसमेंट स्टैट्स है, ठीक है, 94% प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक लॉन्ग रिव्यू वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट का जो भी क्लियर डेटा है वो मिल रहा होगा, तो उस लॉन्ग वीडियो को आप जरूर से चेक कर लेना एक बार एडमिशन लेने से पहले या रजिस्टर करने से पहले UPSATA के थ्रू या फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। इसके अलावा एक और शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा UPS का, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया है कि आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, तो ये दोनों वीडियो एक बार जरूर से चेक कर लेना एडमिशन लेने से पहले। अब देखो, अगर आपको खुद से अपने एंड से भी प्लेसमेंट का डेटा देखना है ना, तो इसके मेन वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है, इसके जो डैशबोर्ड है, मेन वाला डैशबोर्ड, वहां पे आ जाना, एंड सबसे नीचे चले जाना, सबसे नीचे आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे प्लेसमेंट वाइज रिपोर्ट भी है, आप इसको भी देख सकते हो, बट अगर आप एक एवरेज CDC के लिए, मतलब जो ज्यादातर प्लेसमेंट की रेंज होती है उसके लिए देखना चाहते हो, तो यहाँ सीधा नीचे चले आओ, कितने इनटेक होते हैं सबसे नीचे ले जाओ, यहाँ पे आपको NIRF रैंकिंग रिपोर्ट करके मिलेगा, इस पे क्लिक करना, ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको हर एक मतलब अलग अलग फील्ड का डेटा मिल जाएगा, लाइक DCS का, मैनेजमेंट का, लॉ, इंजीनियरिंग, इनोवेशन। तो NIRF रैंकिंग 2024 में जो डेटा सबमिट करी गई ना, वो आपको लेटेस्ट डेटा यहाँ पे मिल जाएगा इस साल का, हालांकि अभी रैंकिंग नहीं आई है, बट डेटा अभी आप सब लगभग सारे कॉलेज के मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो भी डेटा आपको डाउनलोड कर, जैसे इंजीनियरिंग का देख रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, इसका PDF खुल जाएगा, यहाँ से देख लेना, मैनेजमेंट का यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको पूरे डेटा मिल जाएगी कि कितना इसका एनुअल बजट है, किन चीजों पे कितना यूटिलाइज हो रहा है अमाउंट, ये सारे डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग फील्ड का देख सकते हो, ओवरऑल का देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको प्लेसमेंट वाइज डिटेल में रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट का डिटेल रिपोर्ट, ईयर वाइज देख सकते हो, 15 से लेके 23 तक का कब कितना प्लेसमेंट हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी एज अ PDF। बाकी देखो, अगर इस कॉलेज का मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो जिस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा होता है, जो इसकी क्राइटेरिया है, जितनी इनटेक है उसके अकॉर्डिंग ये कॉलेज सही है, बट सबसे मेन सवाल आता है फीस का, तो वो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता है, एंड ऑब्वियसली फीस बहुत ज्यादा है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, अगर आपके लिए फीस मैटर करता है, तो डेफिनेटली आपको वर्थ इट ROI नहीं मिल रही होगी। ठीक है, वर्थ इट से भी बहुत कम ROI मिल रही होगी, जो एक रियलिटी है, क्योंकि देखो सारे स्टूडेंट तो मेहनत नहीं करते हैं, इवन अगर कुछ मेहनत करते भी है तो उनको प्लेसमेंट नहीं लग पाती है, या तो उन्हें मास रिक्रूटर टाइप जैसे कंपनीज में जाना पड़ता है, या किसी और ऐसे कंपनी में। बाकी देखो, जिनके लिए फीस मैटर नहीं करता है ना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो 12th की क्राइटेरिया ज्यादा नहीं है यहाँ पे, दूसरी बात इसके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, तो बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी स्टूडेंट क्रैक कर सकता है, इवन एवरेज से भी अगर कोई कम है तो वो भी क्रैक कर सकता है। बाकी इसके एग्जाम के थ्रू अप टू 30% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं वर्थ इट है, एंड जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है उसको इस एग्जाम के थ्रू जरूर से जाना चाहिए। तो देखो, जब इसका प्लेसमेंट वाइज रिपोर्ट देखोगे ना, ठीक है, 2023 का, तो यहाँ पे आपको हर एक कंपनी का रिपोर्ट दिखेगा, कौन सा कंपनी कितना ऑफर करी है। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कितनी हाईएस्ट पैकेज ऑफर करी है, कितना एवरेज है उसका, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ये भी देखने मिल जाता है कि कोर सेक्टर में भी आपको प्लेसमेंट दिख रही होती है। लाइक यहाँ से आप ऑयल एंड गैसेस का देख सकते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का देख सकते हो, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का देख सकते हो, रियल एस्टेट का देख सकते हो, एविएशन एंड एरोस्पेस का देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये हर जगह की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हो प्लेसमेंट का भी। बाकी अगर आपको भी अपने एकेडमिक्स पे आपको 3000 रुपीज की बेनिफिट चाहिए हमारे एंड से, तो हमारे लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 31 मई तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तो आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड का रिजल्ट भी तब तक आ जाने दो, बाकी तब तक बैकअप ऑप्शन के लिए आप अप्लाई करके रख सकते हो, बाकी एडमिशन लो या ना लो तो बाद की बात है।
सो आई होप अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। बाकी अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।